आज हम बात करने वाले हैं एनएफसी के बारे में। अब ये बात हम क्यों करने वाले हैं, एक्चुअली में मैं एक वीडियो देख रहा था अभी पेटीएम के जो सीईओ हैं उनका, वो अपने क्यूआर कोड के अंदर एनएफसी इनेबल कर चुके हैं। अब ये एनएफसी आखिरकार होता क्या है, जिस टर्म को आज हम लोग देख रहे हैं वो टर्म एक्चुअली में आज की नहीं है, वो टर्म आज से भी कम 20 साल पुरानी टर्म है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार एनएफसी। साउंड बॉक्स हम इसके अंदर चलती है एनएफसी से सुविधाएं। तो आपको हम दिखाते हैं कैसे एक कार्ड पेमेंट इस पे करी जाएगी। तो मैंने ये अगर आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे 11 रुपीज टाइप करूंगा और कार्ड पे का बटन है उसको प्रेस टैप कर दूंगा। कार्ड टू पे 11 रुपीज। सो कस्टमर को एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि टैप कार्ड टू पे 11 रुपीज, सो दैट कस्टमर को पता है कि टैप करने के बाद क्या होगा। मैं यहाँ पे एक मैंने पेमेंट का टैप करा और इधर साइड में आप देखें तो ये प्रोसेसिंग है, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा परंतु रिसीव्ड पेटीएम पेमेंट ऑफ 11 रुपीज। इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मेरे को, मैंने क्यों वीडियो इसके बारे में बताया, तो थोड़ा सा आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके साथ जहाँ देखो, पेटीएम ने लोगों के साथ जहाँ फायदा करा है कुछ का, वहाँ बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ है, वहाँ बहुत से लोगों क्या हुआ है, लॉस भी हुआ है। तो एनएफसी उसमें से ही एक बहुत बड़ी चीज है, जहां कुछ लोगों का फायदा होगा वहां बहुत से लोगों का, मेरे को पता है, वहां नुकसान होना ही होना है। क्योंकि कोई भी चीज जब छोटे लेवल पे पहुंच जाती है तो वो नुकसान ज्यादा उसको कराती है। तो एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड का मतलब है कि पास, बहुत ज्यादा पास। एक्चुअली में इसमें आप जब पेमेंट करते हैं तो आप जब फोन से या फोन से पेमेंट करते हैं, आप जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप थोड़ी दूरी, आप समथिंग 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर तक की दूरी से भी आपका जो फोन है वो स्कैन कर लेता है। बट एनएफसी के अंदर कार्ड से पेमेंट जब हम करते हैं तो ये काफी ज्यादा नियर बाय, बहुत ज्यादा पास से होती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस छोटी सी एक पीपीटी के से, कैसे होता है, व्हाट इज एनएफसी। देखो एनएफसी क्या होता है, छोटे सिंपल शब्दों में कहें एनएफसी क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन से ही हमें समझ में आता है कि शॉर्ट रेंज होती है। और ये क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और ये क्या है, एक रेडियो कम्युनिकेशन है टचिंग द टू फोन्स। देखो एक्चुअली में ये स्टार्ट किया गया था 2 फोन के लिए, लेकिन अभी इनको फोन और आपकी पेमेंट्स वगैरह के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो एक्चुअली में फोन्स कीपिंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर, कितना, बहुत ही कम, यानी कि यहाँ मीटर की बात भी नहीं हो रही, 1 मीटर 2 मीटर, यहाँ पे कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर्स, बहुत ही छोटे सेंटीमीटर्स के बारे में बात हो रही है। एनएफसी इज मेनली एमिट फॉर मोबाइल और हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी कि आप मोबाइल के लिए प्लस आप जो भी हैंड यानी कि हाथ में अपने डिवाइसेस रखते हैं उनके लिए एनएफसी का यूज किया गया है। अब ये RFID के ऊपर भी काम करती है एक्सटेंशन, और मेनली यूज फॉर ट्रैकिंग, यानी कि क्या है, आप चीजों को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ रेडियो वेव्स ये सेंड करती है जिससे कि सारा खेल आपको बदल जाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ एनएफसी टेक्नोलॉजी, यानी कि इवोल्यूशन कहाँ से आया था, आखिरकार ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो अगर हम 2004 में देखें, एनएफसी फॉर्मेट किया किसने, नोकिया, फिलिप्स, सोनी, टू सेट स्टैंडर्ड फॉर एनएफसी, यानी कि इन दोनों तीनों ने, जिन कंपनियों का नाम आज के दौर में खत्म हो चुका है, उन कंपनियों ने इस चीज को स्टार्ट किया था। लेकिन मजा कोई और ले रहा है, एवरी एनएफसी इनेबल्ड डिवाइस विल हैव एन मार्क, जितने भी एनएफसी डिवाइस हैं वो क्या होंगे, एन मार्क होंगे, यानी कि इनका कॉपीराइट अगर कह सकती है तो शायद इन तीनों कंपनी के पास आज भी हो। डेवलप्ड बाय एनएफसी फोरम, इस मार्क को भी एनएफसी फोरम ने बनाया था। अब इवोल्यूशन इन 2006 में इवोल्यूट हो गई ये चीजें, फर्स्ट मोबाइल फोन नोकिया 6131 विद एनएफसी रिलीज्ड बाय नोकिया, यानी कि 2006 में जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे थे आप उस टेक्नोलॉजी को आज इंट्रोड्यूस दोबारा से करा रहे हैं अपने स्कैनर बारकोड पेटीएम के थ्रू। क्योंकि देखो पेटीएम जिस चीज को लेकर आता ना, वही चीज अभी फोन पे वगैरह ये फलाना ढिमकाना जितने भी है सब उस चीज को मार्केट में ले आते हैं। क्योंकि 2006 की या 2004 की ये बात है तो इसका कॉपीराइट पेटेंट वगैरह सब
अब सभी के लिए खुला खुल चुका है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला कि फोन पे इसको नहीं यूज करेगा, केवल पेटीएम करेगा। तो फर्स्ट एंड्रॉइड सैमसंग नेक्सस एस विद एनएफसी सपोर्ट रिलीज। अब इसमें सीधी सी बात है, आखिरकार कम्युनिकेशन होता कैसे? देखिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव कपलिंग विद इन ईच अदर्स, यानी कि आप इसमें कुछ डाटा भरते हो, डाटा भरने के बाद सामने वाला अपना एटीएम कार्ड, जिसका एटीएम कार्ड एनएफसी इनेबल्ड यानी कि नियर बाय होता है, पे वेव यानी कि जैसा वीजा देखते हो ना, वीजा के अंदर एक सिस्टम होता है, उस पर लिखा होता है पिज्जा। आप जब भी अप्लाई करते हो ना, उस पर आपको होगा वीजा पे वेव या मास्टर कार्ड पे वेव, रुपे कार्ड पे वेव, तो आपको पे वेव लिखा होगा, यानी कि एक उसके अंदर वेव निकल के आ, वेव उसमें ट्रांसमिट होती है। ऑपरेशनल ऑफ एनएफसी आप ये देख सकते हैं, इंडिकेटर डिवाइस है और ये उसके ऊपर टैग लगा हुआ है। इसी तरह से आपके एटीएम कार्ड के अंदर एक टैग लगा हुआ होगा, और वो टैग क्या होगा, आप डिवाइस में अमाउंट भरोगे, अमाउंट भरने के बाद केवल उसको आपको टच करना है अपने कार्ड को और पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी। अब इसमें कोई बड़ा अमाउंट आप नहीं इनिशिएट कर सकते हो, मैक्सिमम अभी तक 2,000 रुपये, 3,000, 4,000, 5,000 मैक्सिमम आप एनएफसी के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन है भाई, पैसिव भी है और एक्टिव भी है, आप ये देख सकते हैं ऐसे होता है एनएफसी। इसी तरह से आपको दो, मतलब अभी जैसे iPhone 15 बहुत से लोग देख रहे होंगे कि एक फोन दूसरे फोन के ऊपर चिपक जाता है और वो अपने डाटा कॉन्टेक्ट्स वगैरह वो क्या है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये क्या था, 2004 में नोकिया फिलिप्स सोनी इस चीज को बना चुके थे, लेकिन आज 20 साल बाद हमें ये चीजें अलग अलग कंपनियां इंट्रोड्यूस करा रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें सभी महंगी थी, फोन्स महंगे थे, तो आप इन चीज का यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हो भाई, दो फोन ये चीज चिपक रहे हैं, अब ये दो फोन की जगह एक डिवाइस हो गया, प्लस एक एटीएम कार्ड हो जाएगा, उसके थ्रू ये चीज कराई जाएगी। तो ऑपरेशंस क्या है भाई, बहुत सारे, एक्टिव है, पैसिव है, ऑक्टिव डिवाइस द अदर यूजेस फॉर फील्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन है, अब चाहे पैसों की इन्फॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो, आज के दौर में इसको पैसों के लिए यूज किया जा रहा है, पे वेव के थ्रू। एप्लीकेशन भाई, एप्लीकेशन क्या है एनएफसी की, टच एंड गो, टच एंड कन्फर्म, टच एंड कनेक्ट। अब इन तीनों ही फॉर्मूलाज को हम देख सकते हैं, टच एंड गो, टच एंड कंफर्म, टच एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कनेक्ट सॉरी। ये आप जब भी ट्रेवल करते हो मेट्रो के थ्रू, तो आपको ये तीनों ही चीज आपको मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले आप टच करते हो, आपका कार्ड कनेक्ट होता है मशीन के साथ, देन वहां से कनेक्ट होने के बाद आपने जहां से उसको, जहां से ट्रैवलिंग की और जहां आपकी ट्रैवलिंग एंड हो रही है, वहां से वहां तक का वो आपका जो पूरा बजट है वो बना देता है, देन वो स्क्रीन पे उसको बताता है, और वो अमाउंट टच होता है और वो आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है कि हाँ ये एक मेट्रो कार्ड है, वो क्या कंफर्म हो गया, देन आपका अमाउंट जो है उसमें से कट जाता है और फिर आप क्या करते हो, गेट खुल जाता है और टच एंड गो। तो ये तीनों ही फॉर्मूलाज आप अलग अलग नहीं, केवल एक ही कार्ड में आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एनएफसी आप भी देख सकते हैं, एप्लीकेशंस यू आर ट्रांसपोर्ट इवेंट टिकटिंग वेयर द यूजर्स नीड ओनली टू ब्रिंग द डिवाइस स्टोरिंग द टिकट और एक्सेस कोड, एग्जांपल फॉर पिकिंग अप इंटरनेट यूआरएल फ्रॉम अ स्मार्ट लेबल ऑन अ पोस्ट। तो ये सब है एप्लीकेशन ऑफ एनएफसी, आप ये देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने फोन वगैरह लगाया और फोन लगाने के बाद मूवी बफ गैदरिंग इनटू अबाउट अ मूवी यूजिंग। तो इस तरह से पे वेव जो पोस्टरिंग होगी, उस पोस्टरिंग पे पे वेव लगा होगा, आप उसको यूज करोगे एनएफसी के थ्रू, और वो आपको डाटा उसके बारे में दिखा देगा कि क्या क्या डाटा है। एप्लीकेशन ऑफ एनएफसी टच एंड कंफर्म आप देख सकते हो क्या हुआ, टच हुआ, और ये क्या है, वीजा की अपनी कार्ड लगी हुई मोबाइल पेमेंट है, और क्या है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका एक्सेप्ट एंड ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एनएफसी पेमेंट कन्फर्म्स ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फॉर अ मोबाइल डिवाइस शोइंग द कन्फर्मेशन ऑन मैसेज। एप्लीकेशन ऑफ एनएफसी टच एंड कनेक्ट, दो फोन आप कनेक्ट करोगे और वो डाटा रिसीविंग और सेंडिंग कर देंगे आपको, मतलब इससे क्या होगा कि दोनों चीज आसपास में होने के बाद इसका फायदा क्या है कि भाई आप आसानी से डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि मान लो आप
किसी को डाटा ट्रांसफर करना है तो बहुत सारी चीजें उसमें पहले ये एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होती थी, लेकिन अगर आपका फोन ऑलरेडी एनएफसी इनेबल्ड है, दूसरा फोन भी एनएफसी इनेबल्ड, तो कोई भी आपसे फोन लेगा उसको जो है उसका पासवर्ड वगैरह खोलेगा और एनएफसी के थ्रू वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको उठा के यूं ही किसी को अपना फोन भी नहीं दे देना है कि लो भाई किसी ने कहा भाई कॉल करनी है करना है वो करना है, तो उसके थ्रू भी आपके जो पैसे वगैरह है, बहुत सी बार देखा गया है कि आपसे लोग फोन ले गए और पासवर्ड और जो ओटीपी वगैरह आया वो सामने वाले को ओटीपी उन्होंने बता दिया फोन करके, आपका ही फोन ले गए। तो ये सारी चीजें क्या है, अब इसमें एग्जिस्टिंग कंप्रेशन जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए सेटअप टाइम क्या है, 0.1 मिली सेकेंड। अरे ब्लूटूथ इससे बहुत लेट काम करता है, वो 6 सेकंड लगाता है कम से कम आपके डाटा आपके फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करने के लिए। वो ऐसा है कि आपके पास पहले डिस्कवर करोगे, डिस्कवर करने के बाद वो सब ये सेटअप में टाइम लगता है, लेकिन आप जैसे ही अपने कार्ड को प्रोसेस कराते हैं किसी चीज को प्लग देते हो तो वो ऑटोमेटिकली एनएफसी के थ्रू 0.1 मिली सेकेंड के अंदर वो कनेक्ट हो जाता है, सेटअप टाइम हो जाता है। यूजुअल यूजेबिलिटी क्या है भाई, ह्यूमन सेंट्रिक इज इंटरेटिव फास्ट फास्ट हो जाता है, आइटम सेंट्रिक इजी और डेटा सेंट्रिक मीडियम, ये सभी चीजें हैं। देन एडवांटेजेस क्या है भाई इसकी, अब एडवांटेजेस भी हैं मैं विशेष मतलब प्रयोगात्मक चीजें भी प्रयोगनीय है, हाई कन्वेंशन ऑफ यूजर बिकॉज द डेटा एक्सपीरियंस। अब देखो चीज फास्ट हो रही है तो सबको ये ज्यादा है कि बस लगाऊं और भाग जाऊं, सो ही है। नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इसके लिए, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कोई खास सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, मोस्टली नॉर्मली चल जाता है। डाटा ट्रांसफर इज वेरी लेस टू अबाउट, इसमें जो डाटा होता है वो बहुत ही कम स्पीड पे ट्रांसफर हो जाता है, 106 किलोबाइट पर सेकेंड, 212 किलोबाइट पर सेकेंड, 424 किलोबाइट पर सेकेंड। सम डिवाइसेज यूजिंग एनएफसी टेक्नोलॉजी नेक्सस, ये सब पुराने हैं, आज के दौर में ऐसा कुछ हो नहीं बचा भाई जिसमें एनएफसी ना हो, सभी में एनएफसी मिलेगी और डिवाइसेज विद एनएफसी टेक्नोलॉजी, ये सब पुरानी थोड़े से वीडियोस हैं वो हैं, तो यहाँ से आपको हो जाएगा। ऑन में 2011 आरआई में अनाउंस था ब्लैकबेरी बोल्ड, ब्लैकबेरी तो खत्म ही हो गया रिसेंटली, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस, सभी ने अनाउंस कर रखा है। कंक्लूजन क्या है भाई, जिसके इसके फायदे हैं उससे ज्यादा इसके नुकसान भी हो सकते हैं, आपको अपने एटीएम कार्ड्स वगैरह को यूज करते समय इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी हाथ किसी के भी हाथ में ना लग जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई ओटीपी कोई पासवर्ड कुछ नहीं डलता है, बस बंदा आपके पास आया कार्ड लेगा जेब में से आपके निकालेगा और सामने वाले को पेमेंट करनी होगी वो उसमें अमाउंट एंटर कर देगा, कार्ड लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे और अमाउंट जो है कट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स। अगर कोई चीज रह गई है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।